Hi students, I am Sanjeev Chauhan, the faculty of Chauhan Coaching Institute, Patna. And today I will tell you how to attempt the questions of detection of error. प्यारे स्टूडेंट्स, डिटेक्शन ऑफ एरर जो सेक्शन है, ये सेक्शन हम लोग जो हिंदी मीडियम बेसिकली जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं, उनको ये बहुत प्रॉब्लम करता है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी अमेजिंग ट्रिक्स बताऊंगा, जिसके आधार पर आप डिटेक्शन ऑफ एरर के किसी भी प्रश्न को हंसते गाते बड़े आराम से बना लोगे। तो चलो आओ उस मैजिक को एंजॉय करें। तो आज मैं आपको तीन स्टेप सिखाऊंगा, स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री, जिसके बेसिस पर आप डिटेक्शन ऑफ एरर का कोई भी क्वेश्चन बड़े आराम से आप बना लोगे। तो स्टेप वन क्या है? स्टेप वन ये है कि हम जब सबसे पहले एक साधारण वाक्य में पहले स्थान पर आएगा सब्जेक्ट और दूसरे स्थान पर होना चाहिए भर। कहने का अर्थ यह हुआ कि सब्जेक्ट के बाद हम सबसे पहले भर को चेक करेंगे कि सब्जेक्ट के साथ भर सही लगा है कि नहीं। जब हमें ये भर जब सही मिलेगा तो फिर अब आती है बात, अगर इस भर में कोई गलती नहीं है, वैसे तो पहले भर में ही गलती हो जाएगी, लेकिन अगर भर में कोई गलती नहीं है तो फिर हम आएंगे स्टेप टू। और भर के साथ हमको एक प्रीपोजिशन भी अक्सर मिलता है, जिसे हम लोग फ्रेजल भर बोलते हैं। तो मैक्सिमम एग्जाम में सब्जेक्ट के साथ भर में ही गलती आपको मिलती है, लेकिन अगर भर में उसने गलती नहीं कराई तो फिर वो भर के साथ जुड़े हुए प्रीपोजिशन में गलती कराएगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर भर से हम लोग निपट गए, भर में कोई गलती नहीं मिली, तो फिर हम लोग अब प्रीपोजिशन को चेक करेंगे। तो अक्सर भर के बाद प्रीपोजिशन वाला ही खंड आंसर होता है, लेकिन सपोज दैट उसमें भी अगर गलती नहीं मिली तो फिर आता है चरण तीन, स्टेप थ्री। अब हम क्या करेंगे, जो बचे हुए खंड हैं उनमें हम कोई स्पेशल वर्ड्स ढूंढ रहे होंगे, स्पेशल वर्ड्स ढूंढ रहे होंगे जिसके आधार पर हम गलती पकड़ सकते हैं। तो आइए अब इन सारी चीजों को एग्जाम्पल के तौर पर समझें। आइए, तो सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और उनमें हम एक ट्रिक सेट करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि राम इज गुड, पहले तो ये कंसेप्ट है कि पहले स्थान पर सब्जेक्ट आया है और दूसरे स्थान पर वर्ब आया है। तो वर्ब के बारे में एक बात बता दें कि वर्ब सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, ये पूरा डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पर, मतलब वर्ब लगता है सब्जेक्ट के अनुसार। अब जैसे यहां राम है तो उसके साथ वर्ब लगा इज। अब अगर हम राम हटा करके द बॉयज कर दें, राम हटा करके द बॉयज कर दें, तो वर्ब भी हमारा बदल जाएगा, तो वर्ब हो जाएगा आ।
इसका अर्थ ये हुआ कि जैसा सब्जेक्ट वैसा भर, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर भर, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल। तो यहां पर आपको बता दें सिंगुलर प्लूरल, इज सिंगुलर है उसका प्लूरल हो जाता है आर, हैज सिंगुलर है उसका प्लूरल होता है हैव। ठीक, अब यह भी बात ध्यान रखिएगा कि एक भी वन होता है और एक भी फाइव होता है, ये अलग से, ये अलग से ध्यान में रखना है। तो भी वन जैसे हमने कहा प्ले, और भी फाइव उसी का सिंगुलर हो जाता है प्लेस। तो इसका अर्थ है कि भी वन प्लूरल वर्ब है और भी फाइव सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर और भी वन प्लूरल, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो इसी प्रकार से कोई कहता है कि सर अगर ए बॉय बोल दें और प्ले और प्लेस में से क्या लगेगा, तो ए बॉय को देखते हुए लगेगा प्लेस, ए बॉय प्लेज क्रिकेट। लेकिन अगर हमने कह दिया मैनी बॉयज, मतलब एक से अधिक लड़के, कई सारे लड़के, तो उसके साथ लगेगा प्ले क्रिकेट ऐसे। तो ये तो बेस है कि पहले स्थान पर सब्जेक्ट, दूसरे स्थान पर भर। लेकिन अब इतना आसान तो कोई एग्जाम में देगा नहीं कि राम आर गुड और आपको सुधार करके करना पड़ेगा राम इज गुड। इतना मार्क्स इजी क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन, इतना मार्क्स फेंका हुआ नहीं होता है। तो एग्जामिनर एक चाल से आपको क्वेश्चन सेट करेगा, चाल। तो चलिए उसकी चाल को जरा भांपने का प्रयास करें, क्योंकि अगर वो चाल चल रहा है तो हमें उससे बड़ी चाल चलनी होगी, तभी हम उसकी चाल को काउंटर कर सकते हैं। तो चलो आज देखें कि वो क्या चाल चलता है और क्यों वैसा सवाल देने के पीछे उसका मकसद क्या है। अब देखिए यहां पर अगर एग्जामिनर ने दिया राम आर गुड, तब तो इसमें कोई नहीं फंसेगा, सब कोई बोल देंगे कि सर आर नहीं होगा, आर की जगह इज होगा, कोई भी बोल देगा। तो अगर वो इतना ही इजी सवाल देगा तो कोई नहीं फंसेगा। तो लेकिन अब एग्जामिनर इसी को एक चाल से सेट करता है और ये चाल आपको भी समझना बहुत जरूरी है। अब वो क्या करेगा कि क्वेश्चन यही रख देगा राम, लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए वो बीच में प्रीपोजिशन और कई सारे नाउन डाल देगा, जैसे कि राम ऑफ द बॉयज। और अब उसने वही गलती, ऊपर वाली गलती यहां डाल दी आर गुड। तो अब मैं आपको यहीं पर बात बता दूं कि उसने ऐसा दिया क्यों, गलती तो राम आर गुड ही है यहां पर अभी भी। तो उसने ऐसा दिया इसलिए ऐसा उसने किया है ताकि वो सब्जेक्ट और वर्ब को अलग कर सके और आप उस चीज को देख नहीं सको। देखो उसकी चालाकी समझो, उसने पहले स्थान पर नाउन सिंगुलर डाला है और उसने दूसरा जो नाउन डाला है वो प्लूरल डाला है, और आपको क्या उसने कंफ्यूजन पैदा करवाया है, उसने पूरा पढ़वाते पढ़वाते आपको बॉयज के बाद उसने रख दिया आर। और आपने क्या गलती की, आपने पहले राम पढ़ा, फिर आपने ऑफ पढ़ा, फिर आपने द पढ़ा, फिर आपने बॉयज पढ़ा, तो फिर आपको लगा कि बॉयज को देखते हुए यहां होना चाहिए आर।
जबकि यहाँ बॉयज सब्जेक्ट है ही नहीं, यहाँ तो सब्जेक्ट नंबर वन है। तो इसका अर्थ ये हुआ, मिस्टेक तो यही हुई कि आर नहीं इज। तो अब मैं आपको एक स्ट्रक्चर बताता हूं, इसको देखिए। जैसे ही पहले स्थान पर आप नाउन देखें, तो सबसे पहले नाउन देखते के साथ ही नाउन तो हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट दो ही चीज हो सकता है, या तो नाउन या प्रोनाउन। ये मैंने पहले वाले वीडियो में बताया भी था कि सब्जेक्ट दो ही चीज होता है, या तो नाउन या प्रोनाउन। तो जैसे ही आपने नंबर वन पर नाउन देखा, आप बाकी सारी चीजों को कभी भी मत देखो। वो जैसे दे रहा है आप वैसे क्यों देख रहे हो, वैसे क्यों पढ़ रहे हो, आप अपने हिसाब से पढ़ो, आप अपने हिसाब से देखो उसको। तो नंबर वन पर उसने दिया नाउन, अब मैं क्या करूंगा? अगर उसने नंबर दो पर वर्ब सटा दिया, अटैच कर दिया, तो मैं नंबर दो पर वर्ब भी देखूंगा, लेकिन वो नंबर दो पर वर्ब इतनी आसानी से नहीं देगा। वो आपको बीच में बहुत सारी फालतू चीजें डाल देगा, इसको नहीं देखना है, इनको तो देखना ही नहीं है। तो ये देखने के बाद मैं सबसे पहले दौड़ लगाऊंगा वर्ब की ओर, क्या ये वर्ब यहां इस बिंदु पर रुकना है, क्या ये भर सही है? अगर ये भर गलत है तो मैं इसको यहीं पर गलती मार करके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाऊंगा, लेकिन अगर ये भर सही निकला तो मैं अगला स्टेप फिर फॉलो करूंगा। तो पहले हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलते हैं और अब उन प्रश्नों को देखते हैं। तो आइए अब मैं आपको कुछ प्रश्न दूं और आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए मेरे साथ। पहले मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं, उसके बाद मैं सीधे कुछ क्वेश्चंस आपको एग्जाम के दूंगा। तो देखिए सबसे पहले उसके दिमाग में क्या चीज चल रहा है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि नंबर वन पर वो आपको देगा सब्जेक्ट, नाउन के रूप में दे सकता है, प्रोनाउन के रूप में दे सकता है, कोई एक रूप में आपको या तो नाउन या तो प्रोनाउन के रूप में दे देगा वो। अच्छा, अब इसके बाद वो डाल देगा प्रीपोजिशन फालतू, फिर डाल देगा नाउन। अगर उसको अभी भी संतुष्टि नहीं मिली तो फिर कोई और प्रीपोजिशन डाल देगा, फिर डाल देगा नाउन, लेकिन उसको अंतिम नाउन के बाद वर्ब लाना ही होगा, वरना उसका स्ट्रक्चर कंप्लीट ही नहीं होगा। अब ये वर्ब को पकड़िए। अच्छा, अब ये वर्ब जो है वो, यहीं पर मैं आपको एक एक्स्ट्रा भी बात बता दूं, एक रूल और, पहले एक टेक्निक और सिखा दूं यहीं पर, ताकि आगे हमको बनाने में खूब मजा आए। तो यहां पर क्या करेगा वो, वर्ब आपको देगा प्रेजेंट में या फिर पास्ट। उसके पास तो ऑप्शन है ना कि मैं प्रेजेंट में दूं या पास्ट में दूं। हम कैसे रट्टा लगा के चलेंगे खाली प्रेजेंट ही हो सकता, पास्ट हो जाए। अगर ये भर प्रेजेंट में है तो फिर दो बातें और ध्यान में रखना, ये भर सिंगुलर भी हो सकता है और ये भर प्लूरल भी हो सकता है। और अगर उसने ये पास्ट में भर दे दिया तो फिर इसमें एक नियम और एक्स्ट्रा है कि आगे आपको एक, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले स्थान पर वो सब्जेक्ट देगा, सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, फिर क्या करेगा वो, हमें गुमराह करने के लिए कुछ प्रीपोजिशन डाल देगा या कोई और भी वर्ड डाल देगा जिससे हम गुमराह हो जाए। नाउन डाल देगा, फिर प्रीपोजिशन डालेगा, फिर नाउन डाल देगा, लेकिन उसको अंतिम नाउन के बाद वर्ब ही सेट करना है, ये तो कंफर्म है। तो क्या क्या चीज कंफर्म है, कि पहला स्थान पर सब्जेक्ट कंफर्म है और दूसरे आगे जा करके एक वर्ब कंफर्म है। ठीक, अब जब ये वर्ब जो होगा ये भी वो दो ही टेंस में डाल सकता है, ये उसकी फितरत है, ये क्वेश्चन सेट करने का एक तरीका होता है, खास पैटर्न पर क्वेश्चन सेट होता है। वो पैटर्न स्टूडेंट्स को समझ में आना बहुत जरूरी है।
वरना आप जन्म भर पढ़ते रहिए, आप एरर को बना नहीं सकते। तो ये जो पैटर्न है इसमें वो या तो प्रेजेंट में रखता है या फिर पास्ट में रखता है। अगर उसने प्रेजेंट रख दिया तो फिर ये भी हमें जांचना बहुत जरूरी है कि वो वर्ब सिंगुलर है या प्लूरल। जैसा सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार वो सिंगुलर भी होगा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो वो वर्ब भी प्लूरल। लेकिन अगर वो वर्ब पास्ट निकला तो फिर अगली क्रिया कंजंक्शन के बाद वो एक सब्जेक्ट आपको और देगा, तो उसके बाद जो वर्ब आएगा वो पास्ट। तो सर ये तो सुनने में थोड़ा सा लंबा हो गया, थोड़ा दिमाग में नहीं बैठ रहा है, हटाओ, आओ चलो इसको जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। तो देखो जैसे अब उन्होंने एक सेंटेंस दिया, द बॉयज, ठीक। अब नियम के अनुसार वर्ब आना चाहिए, देख लो उससे चाल क्या चली, द बॉयज of this class are intelligent. फिर उसने कहा नंबर दो, a bunch of keys have been lost. अब क्या कह दिया उसने नंबर तीन सेंटेंस में, क्या कह रहा वो देखिए, द टीचर्स ऑफ पटना एंड दिल्ली is outstanding. दे दिया, क्या करेगा स्टूडेंट, पूरा पढ़ेगा विदाउट एनी टेक्निक। तो मैंने क्या कहा था, पढ़ना है टेक्निक के साथ। तो अब आओ हम लोग तीन सेकंड में गलती कैसे बनाए वो देखो। तो चलो अब हमने कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है और क्या क्या चीज पढ़ना है ये सारी बातों को जरा देखिए। सबसे पहले द बॉयज को ले लो क्योंकि ये हमारे लिए सबसे काम की बात है और ये नंबर वन पर सब्जेक्ट है। अब इसके बाद ऑफ को हमें नहीं लेना है, दिस क्लास को हमें नहीं लेना है, हमें सीधे मियां की दौड़ मस्जिद, हमें सीधे बताइए सब्जेक्ट के बाद हमको लेना है। अब द बॉयज है तो यहां पर आर बिल्कुल सही लगा है, अगर यहां इज होता तो ये गलत हो जाता। तो ये आर लगा है तो बिल्कुल सही है, अगर इज होता तो ये गलत हो जाता। तो आर किसके अनुसार सही है, द बॉयज के अनुसार। चलो अब दूसरा सेंटेंस देखो, ए बंच, ए जिस भी नाउन के साथ लग जाता है वो उसे सिंगुलर बना देता है, ए बंच, तो यहां सब्जेक्ट है बंच, ए बंच सिंगुलर बंच। ऑफ कीज, मुझे ऑफ नहीं लेना है, मुझे कीज नहीं लेना है, लेकिन मुझे वर्ब, अब सब्जेक्ट पढ़ने के बाद मैं वर्ब खोज रहा हूं, मैं बाकी सब चीजों को नहीं देखना चाहता। तो मैंने आगे देखा कि आगे लिखा हुआ है हैव, तो यहां हैव नहीं होगा, यहां हो जाएगा हैज, तो किसके कारण, ए बंच के कारण। अब अगले एग्जाम्पल में हमने देखा द टीचर्स जो कि प्लूरल सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट है आपका प्लूरल। अब मुझे ऑफ नहीं देखना है, मुझे पटना नहीं देखना है, मुझे एंड भी नहीं देखना है, मुझे दिल्ली, मुझे ये सब चीज से कोई मतलब नहीं है, मैंने सीधे सब्जेक्ट देखा और वर्ब की ओर दौड़ लगाई और वर्ब होना चाहिए प्लूरल, तो इज नहीं आ। तो ये पहला वाला जो ये रूल था, जो हम लोग का टेक्निक था, जो स्ट्रक्चर था, उस आधार पर ये हम लोग ने एक नॉलेज प्राप्त कर लिया। तो जब अभी हम आपसे एग्जाम वाले क्वेश्चन बनवाएंगे तो वो भी सब फटाफट बनेंगे। अब देखिए, अब लेते हैं पास्ट वाला केस, नंबर टू पास्ट वाला केस।
तो देखें तो देखिए पास्ट वाले केस में क्या करेगा वो आपको पहली क्रिया पास्ट में देगा क्योंकि एक रूल है कि पहली क्रिया पास्ट तो सारी क्रिया पास्ट दो एग्जांपल लेते हैं राम डिड तो यहां पर उसने एक काम बड़ा अच्छा किया है कि राम के साथ उसने वर्ब को सटा दिया लेकिन डिड जो है वो पास्ट वर्ब है जो भी टू जो वर्ब होता है ना भी वन भी टू भी थ्री भी फोर भी फाइव क्रिया के प्रमुख पांच होते हैं इसमें से भी टू जो होता है वो पास्ट वर्ब होता है जैसे आपने कहा डू डिड डन वैसे मेन तो यही तीन रूप होता है भी फोर हो जाता है डूइंग और भी फाइव हो जाता है डस तो यहां पर उसने डिड दे दिया जो कि भी टू है पास्ट तो राम डिड द वर्क अब हमको जैसे ही नंबर दो पर पास्ट भर मिला तो मेरे दिमाग में गोल्डन रूल याद आया कि पहली क्रिया पास्ट तो सारी क्रिया पास्ट ऐसा हिंदी में भी होता है वरना फिर वो दोनों सेंटेंस में तालमेल नहीं बैठेगा जैसे हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि कल मैंने खाना खाया और उसके बाद मैं बाजार में निकला क्योंकि ये तो कल की बात आप बता रहे हो पास्ट की बात बता रहे हो तो दोनों सेंटेंस में तालमेल होना बहुत जरूरी है इधर आइए तो राम डिड द वर्क एंड ही गो आउट अब देखो कैसे देखना है क्या देखना है कैसे देखना है तो सबसे पहले आपने डिड पकड़ लिया पास्ट अब मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पहली क्रिया अगर पास्ट है तो अगले वाक्य की क्रिया भी पास्ट होगी तो मेरे लिए द वर्क ये सब कोई काम की चीज नहीं है हाँ ये एक बीच में कनेक्टर कंजंक्शन आया इसके बाद ही आया और इसके बाद ये वर्ब आया तो डिड देखने के बाद मैंने वर्ब देखा तो ये गो गलत है क्योंकि गो का तीन रूप होता है गो वेंट गॉन Go went, gone, going, goes. तो इस हिसाब से आपका यहां पर आंसर हो जाता है went. तो अभी तक आपने क्या किस चीज को आपने दिमाग में रखा कि कैसे हमें पढ़ना है तो सब्जेक्ट के बाद और किसी चीज को मत देखिए वर्ब को देखिए और वो ये देखिए कि वो सब्जेक्ट के साथ मैच कर रहा है कि नहीं और अगर पहली क्रिया पास तो सारी क्रिया पास अब देखिए इसमें हम एक चाल चल लेते हैं हमने यही सेंटेंस में ऐसे दे दिया राम ऑफ द बॉयज डिड द वर्क एंड ही गो आउट तो अगर आप देखें दोनों सेंटेंस एक ही चीज है एक ही गलतियां है दोनों बस पेश करने का तरीका बदल गया तो हम भी इसको कैसे देखेंगे सबसे पहले हम राम को पकड़ेंगे हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात राम इसके बाद हम ऑफ को ध्यान नहीं देंगे द बॉयज को ध्यान नहीं देंगे हम सीधे पहले वर्ब देखेंगे ये क्या है तो वर्ब तो उसने प्रेजेंट की बजाय पास्ट में दे दिया तो कोई बात नहीं जब उसने वर्ब पास्ट में दे दिया है तो पहली क्रिया पास्ट सारी क्रिया पास्ट तो अब हमने आगे देखा एंड उसके बाद ही है और गो वहां दिया हुआ है जो कि भी वन है तो गो नहीं होगा उसके स्थान पर आएगा तो गौर कीजिएगा दोनों सेंटेंस में एक ही गलती है दोनों सेंटेंस एक ही है फर्क सिर्फ इतना है उनको पेश करने के तरीके में अंतर है एक में सब्जेक्ट और वर्ब हटाया गया है और एक में सब्जेक्ट और वर्ब को हटा दिया गया है ताकि हमारा समय ज्यादा लगे हम इसमें ज्यादा कंफ्यूजन में पढ़े हम ज्यादा कंफ्यूज हो जाए हम ज्यादा कंफ्यूजन में पढ़े तो प्यारे विद्यार्थियों देखने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाउ यू अप्रोच टू ए पर्टिकुलर पर्सन टू ए पर्टिकुलर क्वेश्चन दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इट इज नॉट दैट यू कीप ऑन रीडिंग सेंटेंस अगेन एंड अगेन दिस इज नॉट द करेक्ट अप्रोच द करेक्ट अप्रोच इज व्हाट टू रीड हाउ टू रीड
This is the correct approach. So now we will solve some of the questions from the previous year exam. तो प्यारे स्टूडेंट्स, आज हमने इस वीडियो में ये देखा कि कैसे हमको किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो क्या फॉर्मूला था कि वो नहीं पढ़ना है, वैसे नहीं पढ़ना है जैसे एग्जामिनर ने दिया है, वो तो फंसाने के लिए वैसा दे रहा है, तो हमको अपने स्टाइल में, अपने अंदाज में पढ़ना है। मतलब सब्जेक्ट के बाद सीधे दौड़ लगाइए भर की ओर, और ये देखिए कि भर प्रेजेंट है कि पास्ट। प्रेजेंट है तो फिर दो चीज जांचिए कि वो सिंगुलर है कि प्लूरल, और अगर पास्ट है तो फिर अगली क्रिया भी उस वाक्य में होनी चाहिए, वो भी पास्ट। तो अब हम लोग जो इस पर एक्सरसाइज है, क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो रहा है, तो अब हम लोग इस पर एग्जाम से रिलेटेड सारे क्वेश्चन स्टेप वन पर बेस्ड अगले वीडियो में देखेंगे। तो आशा करते हैं कि आज आपने इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा, और लेकिन अब जरूर अगला वाला वीडियो जरूर देखिए, जो हम लोग इसमें प्रैक्टिकली सारे क्वेश्चनों को बहुत आसानी से हल करेंगे। तो आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा। तो आप, मैं चाहूँगा कि आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरा भी एक मनोबल बढ़ा रहे और मैं भी आपको बहुत अच्छे से अच्छी टेक्निक्स देता रहूँ। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।